हेलो एवरीवन, तो मेरे प्यार दोस्तों, बोर्ड कैंडिडेट्स 2021 आप सबके लिए एक और बहुत अच्छी खबर जो कि आप हमेशा से सुनना चाहते हैं, और जिनका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है वो हर वक्त एक ही चीज चाहते हैं कि हमारा एग्जाम जो है कैंसिल हो। अब ऐसे में आप लोगों का एक ही चीज कंसर्न है कि क्या क्लास 12 का एग्जाम पोस्टपोन जो हुआ है वो कैंसिल होगा, क्या जो एग्जाम्स क्लास 10 के हैं, जो बोर्ड एग्जाम स्टेट बोर्ड, क्या वो कैंसिल होंगे। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, हाँ, आप लोगों के भी एग्जाम कैंसिल होंगे। ऐसे में आप सोचेंगे कि आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास एक और ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट न्यूज आई है जिसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगा। किस प्रोसेस में गवर्नमेंट चल रही है, किस प्रोसेस में आप लोगों को लेके चल रही है गवर्नमेंट, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपका एग्जाम जो है कैंसिल होगा, यानी कि आपका एग्जाम होगा पर ऑनलाइन वे में होगा। अब इसके रिगार्डिंग डीएनए दैट इज सुधीर चौहान के तरफ से वो भी रिपोर्ट है मेरे पास, पर मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो मेरे पास पूरा डिटेल्स नहीं है, पूरा डिटेल्स मिलते हैं तो मैं आप लोगों को ये सारा डिटेल्स दे दूं कि अब कहां पे एग्जाम कैंसिल कराया गया है। इस छोटी सी इंपॉर्टेंट वीडियो के बाद यूजफुल लगे तो जरूर यूज करें, फ्री ऐप। हेलो एवरीवन, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराओ मत, सबका सलूशन है डाउट नेट। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप अटक गए हो तो आपको बस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करनी है, उसे क्रॉप कर देनी है और अपलोड कर देनी है, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी वीडियो सलूशन। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी एंड अदर स्टेट का, साथ साथ क्लास 6 टू क्लास 12 एंड आईआईटी जेईई मेंस एडवांस नीट का हो, साथ साथ सब्जेक्ट की बात कर ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, डाउट नेट पर चल रही है कोटा टॉप फैकल्टी, जहां पर जीबी सर, एनजे सर, मैम, एके मैम, साथ साथ प्रिंस सर हैं, उसी के साथ टॉप बेस्ट एजुकेटर्स भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, और 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट ने डाउनलोड कर लिया है डाउट नेट, तो देर किस बात की, डाउनलोड ना पाए दुगने फायदे। थैंक यू सो मच। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिकली ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं कि हरियाणा में क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। इसकी पिछली वीडियो की रिपोर्ट मैंने आप लोगों को दिया था कि आईसीएसई दैट इज मेरे प्यारे दोस्तों, आईसीएसई ने क्लास 10 के एग्जाम को ऑफिशियली कैंसिल किया है। ऑन स्क्रीन आपके सामने हरियाणा बोर्ड का भी जो है एग्जाम कैंसिल हो गया, दैट इज ऑफिशियल न्यूज। तो ये कोई बाहर की कोई रिपोर्ट नहीं है, बाहर की कोई न्यूज नहीं है, जो भी है आप लोगों के पास रिपोर्ट आ रही है। हर एक गवर्नमेंट, यानी कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इस वक्त आपको लेके कंसर्न है, क्योंकि आप हमेशा न्यूज में एक ही चीज सुन रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो, मतलब कुछ लोगों को नहीं सहन हो पा रही है, कुछ लोगों को सहन हो पा रही है, बच्चों के लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए अभी उतना वैक्सीन नहीं है और उतना ज़्यादा ये लोग नहीं सह सकते, या आप और मैं भी नहीं सह सकता, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिकली जो कंसर्न है गवर्नमेंट का आप लोगों के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा है, इसीलिए एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आज से कुछ दिनों पहले की बात कर लें तो कोई ऐसा कंसर्न नहीं था, आप लोग बहुत घबराए हुए थे कैसे एग्जाम देंगे कोविड सिचुएशन में, हमारा प्रिपरेशन अच्छे से हुआ नहीं है, क्या मैं पास कर पाऊंगा, पर गवर्नमेंट ने आप लोगों को सलूशन दिया। इसी के साथ मैं आप सबको लेके जाना चाहूंगा पिछले साल, तो पिछले साल तो इससे भी डेंजर सिचुएशन बना था कि आपके एग्जाम के जस्ट 5 डेज पहले, यानी कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट में केस हुई थी, पीआईएल दर्ज किया गया था, बहुत सारे पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से केस फाइल किए गए, फिर भी गवर्नमेंट ने नहीं सुना, कहा कि नहीं, अगर एग्जाम नहीं लेंगे तो आगे का फ्यूचर बर्बाद होगा। तो ऑन दैट बेसिस मेरे प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट ने अपने डिसीजन के अकॉर्डिंगली एग्जाम करवाए थे, लेकिन बहुत लास्ट में क्या किया गया, लास्ट में जस्ट 5 डेज अगो, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों 5 दिनों पहले, 5 दिनों पहले, जस्ट बिफोर एग्जाम मेरे प्यारे दोस्तों, आपके एग्जाम के ठीक 5 दिन पहले, गिन के 5 दिन पहले अचानक से अनाउंसमेंट किया गया एग्जाम कैंसिल। तब हमारे देश में 50 से 60 हज़ार करके केस आते थे, और इस वक्त 1,70,000 अराउंड 2 लाख से ज्यादा, मतलब पर डे के केसेस कह रहा हूँ, 2,30,000, 2,50,000 ऐसे करके केसेस आ रहे। तो ऐसे में आप लोगों के भी एग्जाम असंभव है, मैं आप सबको बता रहा हूँ, पर पढ़ाई मत छोड़ देना इन सब चक्करों में, क्योंकि ऑनलाइन भी होगा तो आपकी पढ़ाई काम आएगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहिए, सारा अपडेट दूंगा, हर एक कोई कैंसिल कर रहा है, आपका भी कैंसिल होगा।